दुतिया चंद किस तरह से वो अपनी फील्ड्स में गई हुई और ओलंपिक में एक बार सिलेक्ट हुई है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, ओलंपिक के लिए जा रही, तो कितनी तैयारी करके आप जा रही हैं इसलिए? सॉरी एक मिनट, ओलंपिक एशियन गेम है। एशियन गेम पहली बार सीनियर एशियन गेम जा रही हूँ मैं। 2014 में तो मौका नहीं मिला था, हाइपरटेंशन के कारण से मुझे निकाल दिया गया था। ये अभी मुझे चांस मिल रहा है जाने के लिए। पता नहीं एशियन गेम में कैसा किस तरह से कंपटीशन होगा, लेकिन ज़्यादा तो काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि रियो ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया, वर्ल्ड ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया, तो एक्सपीरियंस है। फिर भी कोशिश करूँगी वहाँ पर कैसा तरह कॉम्पिटिशन रहेगा उस तरह से। तो इतने सारे स्टेज पर, इतनी जगहों पर परफॉर्मेंस करने के बाद जब आपके सामने एक नया स्टेज होता है, तो आपके मन में क्या डर होता है? आप अपने आप को सोचते हैं मैं तो जीत कर ही आना? नहीं, डर तो नहीं होता है। बॉडी को किस तरह से तैयार करने, उस तरह से ज़्यादा सोचना पड़ता है कि इतना अच्छा अच्छा फाइटर लोग आएंगे, इस तरह इनके साथ फाइटिंग करेंगे कैसे, तो बॉडी को किस तरह से तैयारी करना पड़ता है। कोच सब भी है, कोच सब जिस तरह से मुझे गाइड करते हैं, इस तरह से ट्रेनिंग करते हैं। तो समानता सर का जिस तरह से लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा कदम है समानता सर का? क्योंकि आप में अगर जुनून है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आप अपने उस मुकाम तक पहुँच नहीं पाते और मदद करते हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली तो उड़ीसा की जो सामन सर है, कीट एंड कीट पाउंडर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, क्योंकि 2013 में जब मेरे पास शू नहीं था, रनिंग के लिए स्पाइक नहीं था, उन्होंने मुझे पहली बार मदद दिया था। इनके पास आज एक के बाद एक मेरे मेडल जीतने का चांस हौसला दिया उन्होंने, तो सिर्फ मुझे नहीं, बहुत काफ़ी एथलीट को सपोर्ट दे रहे, पूर्णिमा हेम्ब्रम, जमुना मुर्मू, रद्दुपन्ना, जैसे बहुत सारे एथलीट जो सबको मदद दे रहे हैं। कभी ऐसा मौका रहा जहाँ पर आपने ऐसा लगा कि हाँ मैं हार मानूँ, ऐसे कभी आपने हार माना, आपके दिल ने कहा हार मान? नहीं, दिल में तो कभी हार नहीं माना, इसलिए मैं जीत रहा हूँ। हार मान जाए तो मेरा नहीं होगा। थैंक यू। एक माइक आईडी आपका।